कहानी की शुरुआत 10th सेंचुरी सोम की लड़ाई में होती है, जहां पर एक कैप्टन अपने पूरे ग्रुप के साथ होता है और लड़ाई को संभालने की कोशिश करता रहता है। जर्मन सोल्जर्स उनको ट्रिक करते हैं और उनके ऊपर फायर करके घायल कर देते हैं। बहुत सारे सोल्जर्स और कैप्टन भी उसमें घायल हो जाते हैं। उन्हें मेडिकल टेंट के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उनको ट्रीट करना शुरू करते हैं। कैप्टन को 3 गोलियां लगी होती हैं, जिसे डॉक्टर निकाल देता है। उसके अगले ही दिन डॉक्टर को कैप्टन की बॉडी में एक और गोली मिलती है और जब डॉक्टर उसे निकालता है तो ये पता चलता है कि वो गोली सिल्वर से बनी हुई थी। गोली को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, पर कैप्टन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखता। दूसरी तरफ एक लेडी एक आदमी से मिलने आती है। वो आदमी अपने आखिरी समय में होता है। वो लेडी वेट करते वक्त एक फोटो की तरफ देखती है, जिसमें 2 बच्चे और एक आदमी होता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है 35 साल पहले, जहां एक घर में 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। ये बच्चे एडवर्ड और उसकी बहन शर्लॉट है। ये दोनों इजाबेल और शेमस लॉरेंट के बच्चे हैं। शेमस एक अमीर आदमी होने के साथ साथ एक बहुत ही बेरहम इंसान होता है, लेकिन उस इलाके में उसका वर्चस्व होता है। दूसरी तरफ एक बंजारों के काफिले में एक औरत एक आदमी को कुछ सिल्वर के कॉइन्स देती है और कहती है कि तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। शुरू में वो आदमी परेशान दिखता है, पर वो सिल्वर कॉइन लेकर वहाँ से चला जाता है। वो कॉइन्स को पिघलाकर एक तरह के खोपड़े का जबड़ा बनाता है और उस औरत को दे देता है। वो औरत उस जबड़े को एक जगह रखती है और एक मंत्र पढ़ने लगती है। शेमस कुछ लोगों के साथ बैठकर उसी जमीन के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पर बंजारे रह रहे होते हैं। वो उस जमीन को हथियाना चाहता है। वहाँ पर बैठे लोग उसका विरोध करते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता और उस जमीन पर हमला कर देता है। उसके आदमी वहाँ पर आग लगा देते हैं और सबको मार देते हैं। जिस आदमी ने जबड़ा बनाया था, उसके हाथ पैर काट दिए जाते हैं और उसे स्केयर क्रो की जगह टांग दिया जाता है, जिससे कि कोई बगावत करने की न सोचे। और लास्ट में उस औरत को जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। वो मरते वक्त अपने हाथों में सिल्वर के कॉइन्स दबोचे होती है और कहती है कि उसे इस बेरहमी की सजा भुगतनी पड़ेगी। इस हादसे के बाद उस कस्बे के सब लोगों को बुरे सपने आने लगते हैं और एक दिन ऐसे ही सपने में शर्लॉट उस स्केयर क्रो को जिंदा होते हुए देखकर अचानक से उठ जाती है। एक बार में जॉन नाम का एक पैथोलॉजिस्ट आता है और बार के ओनर से जिप्सीज के बारे में पूछता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। जॉन एक टेबल पर जा बैठता है, जहाँ पर उसे खाना परोसा जाता है। तभी एक आदमी उसके सामने आता है, जो बताता है कि जिप्सी से उसका पुराना रिश्ता था, जो कि अच्छा तो नहीं था, पर वो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ जब एडवर्ड अपने घर के बाहर खेल रहा होता है, उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है, जहां उस लेडी को दफनाया गया था। तभी स्केयर क्रो उसे डराता है और एडवर्ड की नींद खुल जाती है और वो चिल्ला रहा होता है। एडवर्ड एक डरावना सपना देख रहा था, लेकिन वो नींद में ही चलकर घर से बाहर जा चुका था। उसकी आवाज सुनकर घर से कुछ लोग आकर उसे अंदर ले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक जगह पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। टिमी एक कोने में बैठा होता है और वो थोड़ा परेशान सा दिखता है। वो उठकर बाकी बच्चों के साथ खेलने लगता है और फिर अचानक से रुककर वो सबको अपने साथ लेकर उसी जगह की तरफ जाने लगता है। वहाँ पहुँचने से पहले वो एडवर्ड और शर्लॉट को किसी को भी ये बात बताने से मना करता है, नहीं तो टिमी और उसकी फैमिली को उस कस्बे से निकाल दिया जाएगा। दोनों मान जाते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एडवर्ड को थोड़ा अजीब लगता है और सबको कुछ भी करने से मना करता है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। टिमी को वो जबड़ा मिल जाता है और उस जबड़े को निकालकर अपने मुंह में लगा लेता है। जैसे ही वो उन दांतों को लगाता है, वो एडवर्ड पे हमला कर देता है और उसके गले पर काट लेता है। ऐसा होते देख शर्लॉट बहुत डर जाती है और अपने घर की तरफ भागती है और घर पहुंचकर सब कुछ बताती है। एडवर्ड को भी घर पे लाया जाता है
और उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर एडवर्ड को चेक करके ये बताता है कि उसे किसी जंगली जानवर ने काटा है और डरने की कोई भी बात नहीं है। उसी रात शर्लॉट जब सपने से जागती है तो उसे एडवर्ड के रूम से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो जब वहां जाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी को कुछ जकड़ रहा है। वो चिल्लाने लगती है और अपने पेरेंट्स के रूम की तरफ भागती है, लेकिन जब सब वहां आते हैं तो एडवर्ड कहीं नहीं होता। अगले दिन शर्लॉट जब चर्च में होती है तो टिमी से मिलती है और वो उसे बताती है कि उसने अभी तक टिमी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। पर टिमी कहता है कि उसे दांत लगाने के बाद का कुछ भी याद नहीं है। फिर वो यहेजकेल की किताब पढ़कर शर्लॉट को बताता है कि ये सिल्वर के दांत उन्हीं सिल्वर कॉइन से बनवाए गए हैं जो जीसस को धोखा देने के लिए यहूदियों को दिए गए थे। शर्लॉट की मेड टिमी की कन्फेशन को सुन लेती है और वो वहां से जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे एक अजीब सा जानवर आता है और उसे मार डालता है। इसी बीच जॉन को एडवर्ड के गुम हो जाने की बात पता चलती है और वो शेमस के पास जाकर उसकी मदद करने की सोचता है। जॉन सबके साथ मिलकर एडवर्ड को ढूंढना शुरू करता है। उसे टिमी की लाश मिलती है जो कि बहुत बुरे हालात में होती है। बॉडी को देखकर जॉन कहता है कि ये किसी जंगली जानवर ने ही किया है। वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है तो उसे कुछ खून के धब्बे दिखते हैं। वो घर के निचले हिस्से को लॉक रखने की चेतावनी देता है और साथ में कहता है कोई भी बिना हथियार के जंगल की तरफ ना जाए। उसी रात को जॉन को भी बुरे सपने आने लगते हैं और ये सपने उसे परेशान करते हैं। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वो उठकर बाहर जाकर देखता है, पर वहाँ कुछ नहीं दिखता। जब वो अपना खून और एडवर्ड का खून मिलाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका खून और एडवर्ड का खून बहुत अलग है। एक दिन सुबह सुबह तीन लोग फील्ड में काम करने जाते हैं। वुल्फ जैसा जानवर उन पर अटैक कर देता है और दो लोग वहीं मर जाते हैं। वो जानवर एन को काट लेता है, पर वो किसी तरह से बच जाती है। एन जंगल में घूमते हुए दिखती है जहां पर वो बहुत अजीब सी हरकतें कर रही होती है। अचानक से एन की पीठ से कुछ टेंटिकल्स निकलने लगते हैं और वो पानी में गिर जाती है। धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी टेंटिकल से ढक जाती है। इजाबेल जॉन के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे से अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जॉन बताता है कि उसकी फैमिली में उसकी बीवी और उसकी बेटी थी जिनको एक ऐसे ही जानवर ने मार डाला था और तब से वो इनके पीछे है। जॉन को जैसे ही एन के बारे में पता चलता है वो जंगल की तरफ जाता है और वहां पर अचानक से वो जानवर उस पर हमला कर देता है। जॉन उस पर गोलियों से अटैक करता है। जॉन उस जानवर की बॉडी को सबके सामने लाता है और उसका पेट काट देता है जिसके अंदर से एन निकलती है, जो निकलते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिससे डरकर लोग एन को मार डालते हैं। जॉन शेमस से पूछता है कि वो लेडी कौन थी जिसे जिंदा दफनाया गया था। शेमस कुछ नहीं बोलता। जॉन कहता है कि उस औरत की वजह से ही सबको तकलीफ हो रही है और अब एडवर्ड उस औरत की तरफ से बदला ले रहा है। शेमस सबको चर्च में छोड़कर अपनी एक टीम बनाकर उस जानवर को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जॉन शर्लॉट को बताता है कि उसे टिमी के पास से एक बाइबल का पेज मिला था जहां पर लिखा हुआ था कि अगर कोई सिल्वर को भट्टी में तपाता है तो उसे भगवान से भेंट के रूप में कुछ शक्तियां मिलती हैं। जॉन के जोर देने पर शर्लॉट उसे सब कुछ बता देती है और उसे ये भी बताती है जो टिमी ने उसे बाइबल से पढ़कर बताया था। जॉन उस सिल्वर के जबड़े को ढूंढता है और उसे पिघलाकर चार बुलेट्स बनाता है। इसी बीच जब अनाइस नाम की एक मेड लॉन्ड्री कर रही होती है, वही जानवर उस पर हमला कर देता है। वो उससे किसी तरह से बच के भागती है। जॉन तभी जानवर को मारने की तैयारी कर रहा होता है कि उसकी नजर खून से लगे कपड़ों पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि घर में किसी पर हमला हुआ है, लेकिन वो जैसे ही इसका पता करने जा रहा होता है शेमस वहां आ जाता है। जॉन उसे कहता है कि शेमस ही इन सब चीजों का जिम्मेदार है। उसके लालच की वजह से इतने सारे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। जॉन उसे कहता है कि उसे लगता था उसकी बीवी और उसकी बेटी को किसी जानवर ने मारा है,
लेकिन नहीं, उनको शेमस जैसे लालची लोगों ने मारा है। जॉन वहां से नीचे जाता है और शेमस अनाइस के रूम की तरफ। वहां पर शेमस को अनाइस के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाता है, तब तक वो बीस्ट बन चुकी होती है और वो शेमस पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ जॉन उस क्रिएचर को ढूंढ रहा होता है जिसने लोगों पर हमला किया था। तभी उसे शेमस दिखता है जो कहता है कि उसे अब ये एहसास हो गया है कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है। उसके लालच ने बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ले ली है, लेकिन अब वो भी इस क्रिएचर का शिकार बन चुका है क्योंकि उस बीस्ट ने उसे भी काट लिया है और कुछ समय बाद वो भी एक बीस्ट बन जाएगा। जॉन उसे ले जाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में शेमस अपने आप को आग लगाकर अपनी जान दे देता है। जॉन शर्लॉट और इजाबेल को लेकर चर्च में चला जाता है जहां पर टाउन के बाकी सब लोग भी होते हैं। तभी वहां इजाबेल को एडवर्ड की आवाज सुनाई देती है जो कि चर्च के बाहर से आ रही होती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और चर्च का दरवाजा खोल देती है इस उम्मीद से कि उसका बेटा एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां पर एडवर्ड की जगह वो बीस्ट होता है। और जैसे ही इजाबेल दरवाजा खोलती है, वो बीस्ट अंदर आ जाता है, फिर लोगों पर हमला करने लग जाता है। लोगों को घायल होता देख इजाबेल उस बीस्ट से बात करने लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जॉन उस पर गोली चला देता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में कैप्टन के अंदर से जो सिल्वर की गोली मिली थी उसका क्या रीजन था। वो कैप्टन कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड था, जिसे कि बचपन में उसके असली रूप में लाने के लिए वो सिल्वर की गोली मारी गई थी। इजाबेल अपने आखिरी वक्त में अपने और अपने बच्चों के अच्छे मोमेंट्स को याद करती है और अपना दम तोड़ देती है। अगले दिन शर्लॉट एडवर्ड को लेकर उस जगह से कहीं दूर जाने लगती है और कहती है कि एडवर्ड को जो भी हुआ वो कुछ याद नहीं है और अब उसके माँ बाप के मरने के बाद यहाँ पर उसका कोई भी नहीं है। कहानी प्रेजेंट में आती है और जो लेडी एक आदमी से मिलने आई हुई थी जो कि अपने आखिरी वक्त में था, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन था और वो लेडी कोई और नहीं बल्कि शर्लॉट थी। एडवर्ड के माँ बाप के मरने के बाद जॉन ने उन दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला था। मूवी के अंत में जहाँ एक तरफ कैप्टन एडवर्ड अपना दम तोड़ देता है, वहीं दूसरी तरफ जॉन को अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में दिखाया जाता है।